हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय नेम इज़ नैना और मैं रहती हूँ यूएस में, टेक्सास में। मैंने इससे पहले वाली जो एक वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को अपना कम्युनिटी टूर दिया था और मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ के जो यूएस के टेक्सास के बेसिकली जो घर है और हमारी कम्युनिटी में जो घर है, बहुत सारे घर अभी बन रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स के घर यहाँ पे हैं और हर प्राइस रेंज में यहाँ पे घर है। तो मैं आपको उनका रिव्यू दूंगी और आपको वो घर दिखाऊंगी कि यहाँ के घर कैसे होते हैं और किस प्राइस रेंज में कैसा घर मिलता है। तो अभी हम आए हैं, तो ये आज फर्स्ट घर है। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और आगे की अच्छी अच्छी एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए। तो हम आए हैं यहाँ पे एक घर देखने और मैं आपको घर दिखाती हूँ और उसका प्राइस रेंज भी आपको बताती हूँ क्या है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो घर बाहर से कैसा दिखता है और उसके बाद फिर चलेंगे अंदर। तो ये है इनका मेन डोर तो बड़ा प्रेटी सा लगता है। और अब करेंगे हम एंटर करते इनका है स्टडी रूम जहाँ पे इनके डीलर खड़े थे। यहाँ इसी के पास में ही यहाँ पे है वॉशरूम और स्टोरेज एरिया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वॉशरूम। ये पाउडर वॉशरूम है और बस छोटा सा वॉशरूम है, गेस्ट के लिए यूज हो जाता है। और देखो इस तरीके से वॉशरूम है, छोटा सा मिनी सा। और इसके पास में ही है स्टोरेज एरिया, जो अंडर स्टेयर स्टोरेज एरिया है वो है। यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो जो आपको यूज अभी बाद में करना है जो भी है। तो ये है वो एरिया। तो चलो इसके अंदर चल के देखते हैं कितना स्पेस है। और देखो ये इस तरीके से इतना स्पेस है, जो भी आपको सामान यूज नहीं आया हम वो यहाँ रख सकते हैं। तो ये मुझे तो काफी अच्छा लगा था यार, ये घर, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी। सामने है गैराज, ये थ्री कार गैराज का घर है, इसमें थ्री कार गैराज है। तो अब चलो मुड़ते हैं इस साइड और सामने है किचन, डाइनिंग एरिया, लिविंग रूम। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा था यार। तो मॉडल हम तो वैसे भी सजा के रखते हैं। ये हम जा रहे हैं ऊपर, ये ऊपर का रास्ता है, स्टेयर्स है। तो पहले हम नीचे देख लेते हैं फिर हम ऊपर का देखेंगे। तो देखो इस तरीके से लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया है और इस साइड में किचन है। तो बड़ा प्रीटी सा लग रहा था यार मुझे तो। तो देखो आप लोग कितना प्यारा लिविंग रूम है और ठीक स्पेस है, नॉर्मल स्पेस है। और इस साइड है किचन और किचन में तो मेरे हमारे घर के दो लोग खड़े हैं, मनका और मनका के डैडा। और किचन भी अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ पे इनका पैंट्री है और ये जो है इधर है इनका कॉफ़ी एरिया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये कॉफ़ी एरिया है और यहाँ पे स्लैब है, गैस है और इस साइड सिंक है और ऊपर चिमनी भी लगी हुई है। तो अपडेटेड किचन है। मॉडल होम का वैसे भी ना सब कुछ अपडेटेड ही होता है, तो क्योंकि चाहिए होता है ना मॉडल होम, तो यार बस देखते ही पसंद आ जाए वैसे वाला, तो इसलिए। तो ये है यहाँ पे पैंट्री। तो यहाँ पे अपना खाने का जो भी कुछ है, एक्स्ट्रा सामान वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पैंट्री है, ठीक है, काफ़ी ठीक है, नॉर्मल अच्छा है। और ये यहाँ पे अवन है, माइक्रोवेव है, सामने यूटिलिटी रूम है। और चलो देखते रहते हैं यूटिलिटी रूम कितना बड़ा है। और इसके पास में ही एक गेस्ट बेडरूम है, तो चलो पहले गेस्ट बेडरूम देख लेते हैं और फिर हम यूटिलिटी रूम देखेंगे। तो ये बेडरूम है नॉर्मल गेस्ट बेडरूम, जो नीचे सेकंड बेडरूम है, छोटू सा है, प्यारा सा क्वीन साइज का बेड रखा है। ये इसका वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम नहीं है, बाहर से एक्सेस है, मतलब रूम का डोर अलग है और बाथरूम बाहर है रूम से। तो इस तरीके से है, फुल वॉशरूम है। तो इसके अंदर बाथटब है और वॉश बेसिन है, एक वैनिटी है और सीट है। तो ये और ये तो एक इसके अंदर एक क्वीन साइज बेड आ सकता है, इतना बड़ा ये बेडरूम है। और इसमें है एक क्लोजेट साथ में, तो छोटा सा क्लोजेट भी है, तो अच्छा है यार गेस्ट बेडरूम में इतना ही स्पेस ठीक रहता है। तो चलो अब देख लो आप एक बार किस तरीके से है ये रूम, लोग पूरा ओवरव्यू। और यहाँ से बाहर निकलेंगे, सामने है लिनन क्लोजेट और साथ में है यूटिलिटी एरिया। यूटिलिटी एरिया काफ़ी बड़ा है, इन्होंने एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर किसी के पास पेट्स हैं तो आप पेट का बेड और उसकी फूड के लिए और वाटर के लिए कुछ रखना होता है वो रख सकते हैं। तो एक आइसोलेटेड सा हो जाएगा पेट का एरिया भी। तो यूटिलिटी रूम बिकॉज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जब आपको कपड़े वगैरह धोने तभी यूज़ होता है। साथ में लिनन क्लोजेट था और अब हम निकल के आ गए हैं अपने लिविंग एरिया में। सेम देखो कितना प्यारा सा लिविंग एरिया यार, मैं तो खुश हो जाता है मॉडल होम देख के, मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है। और अब आप देखो इसका पूरा ओवरव्यू। Thank you.
तो अब यहाँ से हम चल रहे हैं बाहर, ये सामने है बैकयार्ड का दरवाजा और इसके पास में ही है मास्टर बेडरूम। तो हम लोग देख लेते हैं पहले मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम काफी अच्छा है, विंडोज है, विंडो से बैकयार्ड दिख रहा है और काफी अच्छा स्पेशियस है यार, काफी बड़ा था। और तो वैसे ही कुछ तो मैं बार बार ही बोल रही हूँ यार, मैं तो मॉडल होम देख के मेरा तो मन कर जाता है ये वाला भी घर खरीद लो ऐसे वाली चीज बट चलो कोई नहीं, है तो मन तो करता ही रहता है। तो देखो कितना प्यारा सा है और इसके पास में है वॉशरूम, तो एक बार पहले आप अच्छे से इसका ओवरव्यू ले लो। और अब यहाँ हम देखते हैं मास्टर वॉशरूम और देखो कि इस तरीके से मास्टर बेडरूम के जो वॉशरूम है उसमें जा रहे हैं मास्टर वॉशरूम। यहाँ पे दो वैनिटीज हैं, एक इधर है, सामने शावर स्पेस है और उधर सेकंड वैनिटी है और काफी अच्छा है यार, सेपरेट सेपरेट है तो लड़ाई भी नहीं होगी कि तू मेरा स्पेस में तेरा स्पेस लू ऐसी वाली चीज भी नहीं होगी, चलो अच्छा है। बट मोस्टली यहाँ के जो घर होते हैं उनमें ऐसे ही होता है कि सेपरेट सेपरेट वैनिटी होती है, किसी किसी में साथ वाला भी होता है, बट यहाँ पे क्लोजेट है, क्लोजेट काफी बड़ा था। और इसके बाद यहाँ पे है टॉयलेट एरिया और यहाँ पे सीट था, ठीक है स्पेस अच्छा था। और ये है इसका पूरा बेडरूम, आप एक बार देख लो अच्छे से कितना है। और अब हम निकलेंगे बाहर और हम चलते हैं बैकयार्ड की तरफ और ये पास में ही बैकयार्ड का दरवाजा है, तो देखो इतना पास पास है, एक दरवाजा ये एक दरवाजा ये, बैकयार्ड का डोर ओपन करते हैं और चलो बैकयार्ड देख लेते हैं। तो बैकयार्ड भी इनका काफी बड़ा था और इन्होंने एक्सटेंडेड अगर बैकयार्ड हम बैक कोई लेता है तो कितना और एक्सटेंड हो सकता है वो भी इन्होंने दिखाया हुआ था और काफी अच्छा था। देखो काफी बड़ा था इनका बैकयार्ड, इस घर का बैकयार्ड जो हम देखने आए थे, इसका बैकयार्ड काफी बड़ा था। और जो मास्टर बेडरूम है उसके पास इन्होंने लैंडस्केपिंग करी हुई है और देखो इस तरीके से काफी बड़ा है और उधर की साइड भी एरिया था, तो ये पीछे से ये घर ऐसा लगता है, तो काफी सुंदर घर लगा मुझे एक्चुअली ये वाला। तो चलो अब चलते हैं अंदर क्योंकि ऊपर वाला एरिया भी देखना है। चलो चलते हैं ऊपर और देखो ये पूरा इस तरीके से हम जा रहे हैं ऊपर, ये यहाँ पे एंट्रेंस के पास में ही है स्टेयर्स और अब स्टेयर्स के ऊपर से चलो ऊपर चलते हैं। और ऊपर आते ही यहाँ से देखो इधर रेलिंग है, ये है गेम रूम, गेम रूम भी काफी अच्छा बड़ा बड़ा है और देखो इस तरीके से गेम रूम है, यहाँ पे फन कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। और ये ऊपर का ऐसे पूरा व्यू है, यहाँ से चलते हैं रूम्स की तरफ और यहाँ देखो एक छोटा रूम है और दूसरी साइड है मीडिया रूम, देखो इतना मतलब गेम रूम के बिल्कुल पास में इस तरीके से, उधर भी एक रूम है और ये ऊपर का पूरा व्यू है और यहाँ एक छोटा रूम है। और चलो पहले ये देख लेते हैं, ये इसका वॉशरूम है और वॉशरूम भी फुल बाथ है और देखो इस तरीके से। और यहाँ पे भी एक रूम है, छोटा सा रूम है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ यहाँ पे भी क्वीन बेड आ सकता है, उतना बड़ा रूम ये है। और सेम इसमें क्लोजेट है और इस तरीके से ये रूम का पूरा व्यू है, इन्होंने काफी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। तो चलो इधर देखो ये क्लोजेट है, क्लोजेट भी नॉर्मल है देखो। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मीडिया रूम की तरफ चलते हैं, ये इधर गेम रूम और इधर मोड़ जाएंगे तो ये आ गया मीडिया रूम। मीडिया रूम भी इनका काफी ठीक था, नॉर्मल साइज था, बहुत बड़ा नहीं था और बहुत छोटा भी नहीं था, तो एक नॉर्मल एवरेज साइज मीडिया रूम है। और देखो इस तरीके से पूरा इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, आइडियाज भी मिल जाते हैं एक्चुअली मॉडल होम देख के ना, तो सुंदर सुंदर घर कैसे सजाएं वो भी आइडियाज मिल जाते हैं, तो इनका एवरेज साइज ये मीडिया रूम है। चलो यहाँ से चलते हैं बाहर और देख लेते हैं दूसरा वाला रूम और ये हम बाहर निकलेंगे तो जो दूसरा ऊपर जो एक रूम है वो स्टेयर्स के बिल्कुल सामने है, तो वहां भी इनके दो रूम बने हुए हैं, तो ये टोटल 5 बेडरूम का घर था। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं, एक बेबी का बेडरूम इन्होंने बनाया हुआ था और एक और बेडरूम बनाया हुआ है, तो देखो किस तरीके एक ये बेडरूम है, ये भी नॉर्मल एवरेज साइज बेडरूम है, जितना मास्टर बेडरूम एक काफी बड़ा है, उसके अलावा सारे बेडरूम के साइज ऑलमोस्ट सेम है। और इसमें भी क्वीन बेड रखा हुआ है और साथ में क्लोजेट है और इस तरीके से विंडो है, यहाँ इन्होंने क्लोजेट दिया हुआ है
इसमें भी वॉशरूम अटैच नहीं है, वॉशरूम बाहर ही है। इन दो रूम्स के जो यहाँ पे दो रूम है, इन दोनों का एक ही वॉशरूम है जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप पहले रूम देख लो, इस तरीके से रूम है, और फिर चलते हैं आगे। और इधर ये दूसरा रूम है, पास पास में ये रूम्स हैं। इधर देखो ये वॉशरूम है, ये फुल बाथ है, और इसमें भी टब है, सीट है, वॉश बेसिन है, और इस तरीके से। और यहाँ पे एक और लिनन क्लोजेट है सामने, वॉशरूम के सामने। तो काफी अच्छा स्पेस काफी अच्छा है। और ये एक और रूम है जिसका इन्होंने बेबी रूम बनाया हुआ है, बट इसके अंदर भी क्वीन साइज बेड बहुत आराम से आएगा। और इसका जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है वो सामने इसका विंडो है। विंडो से पूरा बाहर का दिखता है, फ्रंट फ्रंट यार्ड पूरा इनका दिखता है, इस घर का दिखता है। तो इस तरीके से देखो कितना प्यारा व्यू है, सामने भी और भी मॉडल रूम्स बने हुए हैं। तो इसमें भी एक क्लोजेट है, और इस क्लोजेट के अंदर शायद उनका कुछ सिक्योरिटी वगैरह का कुछ कैमराज वगैरह लगे हुए थे ऊपर, तो मैंने देखा, बट ठीक है। तो इस तरीके से और बाहर निकलते हैं, और सेम देख लो आप पहले एक बार रूम देख लो। और चलो अब चलते हैं बाहर, और बाहर सेम हमारा गेम रूम आ गया, और हमारे घर वाले वेट कर रहे हैं कि हमारा वीडियो फिनिश हो और हम चलें घर। तो ये घर है टेलर मॉरिसन का, और इस घर का प्राइस है 340K डॉलर्स, और अगर अपडेट्स कराते हैं तो प्राइस थोड़ा सा और वेरी होता जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट घर जो मैंने आपको दिखाया कि 340 की रेंज में है, मैक्सिमम 10,000 के अपग्रेड्स देते हैं, तो 350 और 340 की रेंज में किस तरीके के घर मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे घर हम इसी रेंज में देखेंगे। तो फर्स्ट घर मैंने आपको दिखाया ये घर था, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और सेकेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कोई भी आपके क्वेश्चंस हो और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हो, एंड कोई भी सजेशन, कोई भी आपको वीडियो मेरी कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव